सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दिया है। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से टिकट दिया है। साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें काफी दिनों से चल रही थी। आज उन्होंने भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसके बाद यह तय माना जा रहा था कि वो बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद साध्वी प्रज्ञा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने भाजपा की सदस्यता ले ली है और मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी भी। महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में आरोपी बनाए जाने के बाद सुर्खियों में आई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहती हैं। हालांकि उस केस में बरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने तीखे बयानों से हमेशा कांग्रेस को निशाने पर लेती रही हैं। साध्वी प्रज्ञा का एबीवीपी और दुर्गा वाहिनी से जुड़ाव रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश से तीन और नामों का ऐलान किया है। गुना से केपी यादव, सागर से राज बहादुर सिंह, विदिशा से रामाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। हालांकि इंदौर सीट पर अभी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है।